अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जो पंजाब के साथ आपका मेज़बान अख्तर सूर जंजुआ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मैं इस वक्त सुबह खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हूँ। तरीक के जुरुकों से मोहब्बतों के वो अल्फाज, मोहब्बतों की वो यादें आप तक पहुँचाएँगे जिसने पाकिस्तान की तकदीर बदल दी, जिसने पाकिस्तान के वजूद के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया। 1922 को पैदा होने वाला ये खूबसूरत बच्चा 22 साल की उम्र को पहुंचा तो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सुबह सरहद में मदद के लिए अपील कर दी, क्योंकि सुबह सरहद के जो लोग थे, जो दीगर सियासतदान थे, वो पाकिस्तान के साथ अलहा की मुखालफत कर रहे थे। मेरी मुराद पीर मानकी शरीफ पीर सैयद अमीन हसनात साहब हैं, जिन्होंने कैद आज़म के साथ मिलकर क्या मैं पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लिया। कैद आज़म जब मदद के लिए पीर मानकी शरीफ आए तो उनको यहाँ पे ठहराया भी गया और पीर साहब ने उनसे चंद दिन मोहलत मांगी। पीर मानकी शरीफ ने पीर सैयद मोहम्मद अमीन साहब ने सुबह सरहद मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा में अपने अहबाब को इकट्ठा किया और 500 उलमाए किराम को साथ मिला के 22 निकात का एक एजेंडा कैद आज़म के सामने रखा और फिर क्या मैं पाकिस्तान की तहरीक में शामिल होकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हिस्सा बने। पीर शम्स अमीन साहब और उनके बेटे पीरज़ादा जुनेद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे। नौजवान नस्ल को हमने बताना है कि अमीन हसनात को आज भी कौम की ज़रूरत है और आज भी दीन इस्लाम को फ़रोग देने की ज़रूरत है, आज भी अपने कल्चर को, आज भी अपनी रवायात को कौम के सामने पेश करने की ज़रूरत है। आइए साहबज़ादा जुनेद अमीन से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जुनेद भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत जी, शुक्र है। आपके दादा ने तो माशाल्लाह बरसगीर पाको हिंद में अपना किरदार अदा किया और छोटी सी उम्र में कैद आज़म इनको मिलने के लिए आपके पास पीर मानकी शरीफ के पास तशरीफ़ लाए। क्या फील करते हैं? दादा की यादें अब्बू से सुनी, लोगों से सुनी। जी बिल्कुल, पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आप बहुत दूर से तशरीफ़ लाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस ख़ानदान में पैदा होना और एक ऐसी शख्सियत का पोता होना जो कि जिसको न सिर्फ पाकिस्तान के लोग पहचानते हैं बल्कि जो पूरी दुनिया में उनका एक नाम रहा है, और यही दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला अपने दादा जान के नक्शे कदम पर हमें भी चलाए और उनका जो ज़िंदगी के जो उनका मिशन था, जिस अंदाज़ में उन्होंने इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत की और ख़िदमत की, यही जज्बा आगे आने वाली नस्ल को भी मुंतकिल करें। क्या मैं पाकिस्तान से बकाए पाकिस्तान का ये सफ़र क़यामत तक जारी रहेगा? अमीन हसनात आते जाते रहेंगे, अपना करदार अदा करते रहेंगे। दादा की उम्र कितनी थी क्या मैं पाकिस्तान के वक़्त? दादा जान रहमतुल्लाह अलैह 1 फरवरी 1922 को पैदा हुए थे और इस हिसाब से उनकी 25 साल उम्र थी जब पाकिस्तान बन गया था, लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान के क़याम के लिए कोशिश शुरू की थी उस वक्त उनकी उम्र 22 साल थी। तो ये जद्दोजहद 22 साल की उम्र से उन्होंने शुरू की। और मैं ये भी बताते चलूँ कि हमारे सस्ताने का जो अभी मतलब 150 साल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अस्ताना अली मानकी शरीफ को कायम हुए, हमारे जो सबसे बड़े बुज़ुर्ग जिनके हम अभी चट्टे पुश्त में आते हैं, जो सैयद शरीफ सवात में हमारा पीरखाना है, वहाँ से उनको खिलाफत मिली और अपने पीर और मुर्शिद के हुक्म पर उन्होंने पीर मानकी शरीफ को यहाँ पर आए, इसको आबाद किया और अपना जो मरकज़ लोगों के लिए मरकज़ खलाइक इस अस्ताने को बनाया, तो वो उन्हीं के सर पर है। इस 22 साल नौजवान ने 500 उलमा इकराम को अपने इस मिशन में शामिल किया। वो मिशन क्या था? वो मिशन ला इलाहा इल्लल्लाह था। वो मिशन क्या था? लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। दादा जान के नक्शे कदम पे चलते हुए क्या मैं पाकिस्तान से बकाए पाकिस्तान का सफ़र आप जारी सारी रखे हुए हैं, क्या आप भी लोग मुखालफत करते हैं? कायद आज़म साहब रहमतुल्लाह अलैह और दादा जान जब हयात थे और पाकिस्तान बन गया था तो यकीनन उस वक्त भी बहुत मुश्किलात होंगी, लेकिन अब जो मुल्क पाकिस्तान
की जो मुखालफत होती है, जो इसके ख़िलाफ़ गुफ्तगू होती है, वार होती है, वो उससे बढ़ कर है, क्योंकि वो पाकिस्तान जो खालिसतन इस्लाम के लिए बना था, इस्लाम के नाम पर बना था और इसके लिए कुर्बानियाँ, वो दरअसल इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ थी। लेकिन आजकल इस्लाम मुल्क पाकिस्तान बन जाने के बाद अब लोग मुल्क पाकिस्तान को सेकुलर मुल्क का नाम देते हैं। और यहाँ पर जब आपने ख़िताब फरमाया तो कादर साहब रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर खुतबे के अल्फाज वो कादर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर बोले थे कि यहाँ पर मुझसे सदारती खुतबे में पूछा गया है कि यहाँ पर जब मुल्क पाकिस्तान बन जाएगा इसमें कौन सा कानून लाफिज होगा। आपने जवाब में फरमाया कि मुसलमानों का खुदा एक, रसूल एक, कुरान एक है और ये वो कानून है इस्लाम जो 1300 साल पहले नबी करीम सल्लम ने हमें दिया है, तो पाकिस्तान में यही कानून होगा। तो साहबजादा जुनेद अमीन साहब, आपके दादा अजान पीर सैयद अमीन हसनाज साहब, मानके शरीफ कितनी बड़ी आप ये गद्दी और आपके लाखों मरीदैन मुल्क के तुल अर्ज में फैले हुए हैं, तो क्या समझते हैं कि आज कितनी ज़रूरत है अमीन हसनाज जैसी तलीमात की? अमीन हसनाज के डंके की चोट पे कहा था कि कैद आज़म ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बन रहा है और हम आपके साथ शामिल हुए हैं, हैबर पख्तूनख्वा सुबह सरात आपके साथ शामिल है, अगर कल इसके ब्रेक्स हुआ तो यही लोग आपके ब्रेक्स ये करदार अदा करें, इस बारे में क्या कहें? देखिए जी, इस बात की ज़रूरत इस ऐसी दौर में जहाँ पर जो सोशल मीडिया है वो गैर मुस्लिमों के कंट्रोल में है, जो हमारे मुस्लिम मुसलमान नौजवान हैं तो वो लोग इस्लाम से दूर किए जा रहे हैं और जो इस्लाम का हकीकी तसव्वुर है, जो इंसानियत का मोहब्बत, इंसानियत के साथ मोहब्बत का दर्स है, अच्छे अखलाक और उन चीज़ों के बरअक्स मुसलमान को दिखाया जा रहा है, ऐसे दौर में अजहद ज़रूरी है कि अपने मुल्क के नौजवानों को उन लोगों की कुर्बानियाँ बताई जाएं कि किन कुर्बानियों की बदौलत ये मुल्क हमें मिला है। मेरे वाले साहब अक्सर तकरीर में ये फरमाते हैं कि ये मुल्क हमें कहीं इस तरह नहीं मिला कि जिस तरह तैयार खाने की प्लेट आपको रख दिया कि आप ले लें और ये पाकिस्तान आपका बन गया। इसके लिए हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इसके लिए मेहनतें हुई हैं, मशक्क़तें हुई हैं। सुबह सरहद में पेशावर में जो पहला शख्स जो तहरीक पाकिस्तान के क़ियाम की जो जदोजहद थी उसमें जो मारा गया है, उनका ताल्लुक मतनी पेशावर से था और वो अल्हम्दुलिल्लाह हसन अलमान के शरीफ का मुरीद था। हमारे दादा जान, मैंने आपसे अर्ज की कि तहरीक पाकिस्तान की पहली जो शहादत है वो पीर मानकी शरीफ के मुरीदैन की है और आगाज़ कर दिया कि तहरीक का कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान और खून पाकिस्तान के लिए हाजिर है, सब्ज लिबास पाकिस्तान ये ईमान की निशानी है। अब ये फरमाते थे तकारीर में, सब्ज लिबास और पाकिस्तान ये इस्लाम की निशानी है और इससे बगावत इस्लाम के साथ बगावत है। ये बहुत बड़ा जुमला है और फिर आपका अपना अंदाज़ इस तरह के ख़ुद भी आपने सब्ज लिबास से बेतन करके मुरीदों को हुक्म देते थे, तो उस वक्त जो अंग्रेज़ों के आते थे अकाबरीन वो हेलीकॉप्टर में फिरते थे तो इस ये जोर देने के लिए कि नीचे सुरख रंग के मुकाबले में सब्ज रंग वाले भी उनकी कसरत भी मौजूद हैं, तो ये सोच आगे नस्ल को पहुंचानी चाहिए, उनके ये तारीख के जो पाकिस्तान के जो उन्होंने खिदमत की है तो उनकी पहचान इनको देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरे गैर मुस्लिम हीरोज़ के पीछे फिरे और उनके अपने हीरोज़ को प्रमोट करना चाहिए, अपने हीरोज़ की बातें कौम को बतानी चाहिए कि अमीन हसनाज ने क्या किया और दीगर अकाबरीन ने तहरीक पाकिस्तान में अपने खून के नजराने पेश कर दिए और पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे मार्ज वजूद में आया, 27 रमज़ान को मार्ज वजूद में आया और इसकी ये तरीक आसान नहीं है। माओ ने अपने पान के पत्तों जैसे बेटे इस धरती पर कुर्बान कर दिए। सबजदा अमीन हसनाज साहब, दादा जान ने सियासत में हिस्सा लिया और नसर मिल्लत मुजाहिद इस्लाम और बिलखसूस फातह रेफरेंडम करार पाए और एक वक्त ऐसा आया कि अपोजिशन लीडर भी मुंतब हुए, क्या वजह बनी कि 1955 में सियासत से किनारा कशी कर ली और आज तक आपके ख़ानदान जो है, आपकी फैमिली जो है, वो सियासत से दूर रही? दारा जान को टास्क दिया गया था कादर आज़म साहब रहमतुल्लाह की तरफ से, जिसके लिए उन्होंने बेहद कुर्बानियाँ दी, बेहद कोशिशें की
उस वक्त हमारे ख़ानदान में जितने दारा जान के भाई हयात थे, जितने आपके मुरीदीन थे, यहाँ के जितने उलमा मशायख थे, पूरी एक बाकायदा उनको टास्क दिए गए, अलहदा अलहदा इलाके उनके दिए गए और उनको भेज दिया गया कि आपने इसमें हिस्सा लेना है और पाकिस्तान के लिए करना है। और उसका नतीजा फिर ये हुआ कि 6 जून से लेकर 17 जून 1947 तक ये इंतखाबात जारी रहे और फिर 20 जुलाई 1947 को इसका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हुआ। तो वो इस तरह था कि 2,89,000 से ऊपर वोट पाकिस्तान को पड़े और सिर्फ 2,800 कुछ वोट इंडिया के हक में, यानी 99% वोटिंग पाकिस्तान के हक में हुई। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और इस कामयाबी के होने के बाद दारा जान फौरन कादर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, वो इंडिया में थे और उनसे मुलाकात की और उनको इस खुशखबरी का भी वो किया और उनको आगे के लिए कि अब अगला लाए अमल, यानी उनका आप देखें कि कितनी उनका जो इखलास था कि इस पर आप रुके नहीं बल्कि मजीद गए कि अब और क्या करना चाहिए। और फिर उन्होंने वहाँ पर जो इन्होंने लेटर लिखे कि जो चूँकि NWFP ने अपना जो वो सुना दिया है और अपना फ़ैसला सुना दिया है, लिहाजा अब हम चाहते हैं कि एक ऐसी तंजीम हो जो मुसलमानों के लिए हो, जब पाकिस्तान बन जाएगा तो जो भी आइन हो, जो उन्होंने कदम साहब रहमतुल्लाह अलैह जमान की शरीफ आए थे, हमारे दारा जान ने जमीयतुल असफिया के नाम से एक जमीयत कायम की थी, उसमें 500 उलमा और मशायख शामिल थे। तो आपने ये भी उस जो नुकात है उसमें ये भी है एक कि जो भी आइन होगा वो इन जमीयतुल असफिया से निकल कर आइन बनेगा। अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज़ हुई जो पाकिस्तान के बनने या पाकिस्तान इस्लाम के कवानीन और हदीस के मुखालिफ हुई तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, और अगर वो उसके मुताबिक हुई तो ये जमीयत उसको फिर आगे आइन पाकिस्तान में की तरफ ले जाएगी। तो ये कोशिशें उन्होंने की, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद भी उन्होंने अपनी वो कोशिशें कायम रखी। और चूँकि कादर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का विसाल जल्दी हो गया था, लेकिन इस 1.5 साल 1.5 साल के अरसे में भी बारहा दारा जान ने कादर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि आपने मेरे साथ जो वादा किया था तो उस वादे को इफ़ा करने का अभी वक्त आ गया है, अब पाकिस्तान में जो है इस्लामी कानून का नफाज करें। कादर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि पाकिस्तान अभी छोटा सा बच्चा है, जब ये बड़ा हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, फिर उसमें हम दरजान जवाब दे देते कि तरबियत जो है वो बच्चा कबूल करता है, जब ये बड़ा हो जाएगा फिर ये तरबियत कबूल नहीं करेगा। मतलब ये कि बारहा इन्होंने पेशकश और वो अपना वादा दिलाने याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन जब उनको ये चीज़ नहीं मिली फिर उन्होंने एज अपोजिशन लीडर गवर्नमेंट को इस पर आमादा करूँ कि आप इस्लामी नफाज का कानून का नफाज करें, जब वो भी ना हो सका और हर तरफ से मायूस हो गए तो फिर आपने सियासत को खैरबाद कह दिया था और आपने जो इतनी लंबी स्ट्रगल थी और जो कोशिश थी जदोजहद की आपने उसको जो है ख़त्म कर दिया था। फिर लोग जब अगरचे आते बहुत अच्छे नाम से हैं लेकिन इक्तदार मिलने के बाद उनकी तरजीहात बदल जाती है, तो ये सारी चीज़ें आकर तो इसलिए हम सियासत में इतना एक्टिव जो है वो नहीं करते। नहीं साहब, ज़्यादा अमीन असनाद साहब नौजवान हैं जी और ख़ानदान में और भी आपके भाई कज़न वगैरह हैं, तो फ्यूचर में क्या सियासत में आने का इरादा है? सोचते भी हैं इस बार, और बारहा ये हमारा एक दिली ख्वाहिश है कि दारा जान ने कोशिश की थी, सियासत में आए थे क्या में पाकिस्तान के लिए, और हम बकाए पाकिस्तान के लिए कोशिश करें, और वो सोच और वो जिस पाकिस्तान का ख्वाब हमारे दादा जान को कादर आज़म साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दिखाया था और फिर उन्होंने अपने लाखों मुरीदीन को दिखाया था, उस ख्वाब को जो है ताबीर कर सकें, तो सोच है, लेकिन फ़िलहाल ये सोच ही रही है, अमली सूरत अभी तक इसकी मुमकिन नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत ने कुछ काम किया, कुछ डिलीवर किया, अवाम का अपने साथ मिलाया, पाकिस्तान की बेहतरी के काम किया, और मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी असलाहत जो उन्होंने इस सूबे में लाई हैं, जो हर बंदा महसूस करता है, जिसमें बुनियादी तौर पर आपके पुलिस का इंतज़ाम है, आपके जो पटवारखाने हैं, जो आपके कोर्ट्स हैं, या वो लोग जो हॉस्पिटल्स में जो उन्होंने कार्ड का इजरा किया है, जो आम लोगों से मुंसलिक, जिसको आम लोगों से वास्ता पड़ता है, बहुत असलाहत किए हैं, लेकिन जितने उन्होंने दावे किए थे, जितने उन्होंने वादे किए थे उसके मुताबिक कुछ नहीं है।
तो चूंकि लोग आपके वादों आपके दावों को देखकर वो आपका एक नज़रिया वो कर लेते हैं और उस नज़रिए के तौर पर वो आपके साथ आते हैं, तो उस उतने दावों को और उन वादों को उन्होंने तकमील नहीं की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इससे भी इनकार नहीं कि बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने असलाहत किए। कोई ऐसी हुकूमत आ जाए जो हकीकी तौर पर मुल्क पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा कर सके, जो हकीकी तौर पर पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क की हैसियत दे सके और जो मुल्क पाकिस्तान में बसने वालों को वो वक़ार और वो इज़्ज़त दे सके जो उन जो लोग उसके अहल हैं, जो पाकिस्तान जिसके लिए हकदार है। मानकी शरीफ के इस ख़ानदान ने क्या मैं पाकिस्तान से लेके बकाए पाकिस्तान का सफ़र का आज भी इस ख़ानदान के ये खूबसूरत नौजवान क्या मैं पाकिस्तान के लिए अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को जहाँ एक तरफ रखते हैं, वहाँ आज भी इस पाकिस्तान को क़यामत की सुबह तक आबाद रखने के लिए करदार अदा करने को अपना हक समझते हैं। यू पंजाब ने सुबह खैबर पख्तूनख्वा में आके मानकी शरीफ की गद्दी के हवाले से, सियासत के हवाले से बातचीत की। ये मकसद ये था कि अपनी नौजवान नस्ल को बावर कराया जाए कि क्या मैं पाकिस्तान में किन लोगों ने हिस्सा लिया और कौन से ऐसे लम्हात थे, क्या क्या मुश्किलात थी, उन मुश्किलात का अजाला अब नौजवान नस्ल की जिम्मेदारी है कि वो अपने आबो अजदाद की कुर्बानियों को पसे पुश्त ना डालें, उनकी कुर्बानियों को ज़िंदा रखें। जो उनकी रवायात थी, जो कल्चर था, उस कल्चर को उस रवायात को आगे नस्लों तक लेके आए। मानकी शरीफ से इस रिपोर्ट के साथ अपने मेज़बान अख्तर सुलझंजुवा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।